नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। जैसा कि दोस्तों यहां पर आप लोग देख पा रहे हैं, हमारा IREL इंडिया लिमिटेड का ऑफिशियल वेबसाइट है। तो दोस्तों यहां पर एक रिक्रूटमेंट सॉरी यहां पर एक अप्रेंटिस निकल कर आया हुआ है जो कि ITI वालों के लिए है और ग्रेजुएशन वालों के लिए है। तो आइए इस अप्रेंटिस के बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए, आप लोग IREL के ऑफिशियल वेबसाइट से आप लोग इस अप्रेंटिस को डाउनलोड कर सकते हैं। PDF देखिए यहाँ पर है, IREL इंडिया लिमिटेड रेयर अर्थ डिवीजन उद्योग मंडल कोची का है ये। यहाँ पर देख सकते हैं नोटिफिकेशन नंबर IREL RED अप्रेंटिस एंगेजमेंट 2022-01। डेट ऑफ नोटिफिकेशन दोस्तों 7 दिसंबर 2022 को ये जारी किया गया है। और एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिसेज अंडर द अप्रेंटिस एक्ट 1961 इन द रेयर अर्थ डिवीजन उद्योग मंडल देख सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों एंगेजमेंट ऑफ 21 अप्रेंटिसेज, तो यानी कि 21 पदों पर दोस्तों ये वैकेंसी टोटल निकाली गई है, तो देख सकते हैं। और इसमें दोस्तों कौन कौन से हैं ITI वालों के लिए, यहाँ पर ज़्यादा आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ग्रेजुएशन वालों के लिए भी यहाँ पर है, जैसे केमिकल इंजीनियरिंग ग्रेजुएशन इन केमिकल इंजीनियरिंग वालों के लिए 1 साल का अप्रेंटिस होगा जो कि 4 सीट यहाँ पर अवेलेबल है। सिविल इंजीनियरिंग वालों के लिए 1 सीट अवेलेबल है, 1 साल का ड्यूरेशन है, ग्रेजुएशन इन सिविल इंजीनियरिंग होना चाहिए। मैकेनिकल इंजीनियरिंग वालों के लिए यहाँ पर 1 सीट है, 1 साल का यहाँ पर अप्रेंटिस होगा, ग्रेजुएशन इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग होगा। और कंप्यूटर इंजीनियरिंग वालों के लिए देखिए, ग्रेजुएट इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग 1 साल का ड्यूरेशन होगा और एक एक सीट यहाँ पर अवेलेबल है। और LACP पास होना चाहिए आपका BSc केमिस्ट्री डिग्री या फिर पास ITI लेबोरेटरी असिस्टेंट केमिकल प्लांट ट्रेड से, 1 साल का अप्रेंटिस होगा, 5 सीट अवेलेबल है। पासा या कोपा वालों के लिए दोस्तों यहाँ पर कोपा वालों के लिए, पासा वालों के लिए, ITI के जो भी ट्रेड हैं इनके लिए 2 सीट है, 1 साल का अप्रेंटिस होगा। और मैकेनिक मोटर व्हीकल वालों के लिए दोस्तों यहाँ पर ITI होना चाहिए मोटर मैकेनिक व्हीकल में, 1 सीट है, 1 साल का अप्रेंटिस होगा। फिटर वालों के लिए दोस्तों यहाँ पर 2 सीट है, 1 साल का अप्रेंटिस होगा, ITI जो होना चाहिए आपका फिटर ट्रेड में होना चाहिए। वेल्डर वालों के लिए दोस्तों यहाँ पर ITI वेल्डर ट्रेड में यहाँ पर है देख सकते हैं, 1 साल का यहाँ पर ड्यूरेशन है, 2 सीट यहाँ पर अवेलेबल है। इलेक्ट्रिशियन वालों के लिए 2 सीट अवेलेबल है, 1 साल का अप्रेंटिस होगा, ITI होना चाहिए आपको इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में। और यहाँ पर दोस्तों अगर आप कोई भी कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि एज रिलैक्सेशन लेना चाहते हैं तो उनको दोस्तों छूट मिल जाएगा। लास्ट डेट ऑफ अप्लीकेशन एज द कैंडिडेट शुड बी मिनिमम आपका 18 साल पूरा होना चाहिए, मैक्सिमम 25 साल होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एज रिलैक्सेशन SC ST कैटेगरी गया है तो 5 साल का छूट मिलेगा, OBC नॉन क्रिमिनल है तो 3 साल का छूट मिलेगा, PWD है तो 10 साल का छूट मिलेगा। तो ये है आपका। और सिलेक्शन मेथोडोलॉजी के बारे में बताया गया, द कैंडिडेट हु आर फुलफिलिंग द क्राइटेरिया विथ रिस्पेक्ट टू एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड एज आर ओनली एलिजिबल टू एंगेजमेंट एज अप्रेंटिस ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट लिस्ट बेस्ड ऑन मार्क सिक्योर्ड इन स्पेसिफिक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। यानी कि आप ITI बेस पर फॉर्म डाले हैं तो आपका ITI का जो भी परसेंटेज है उसके आधार पर सिलेक्शन होगा। और अगर दोस्तों आप लोगों का ग्रेजुएशन बेस पर है तो ग्रेजुएशन बेस पर आपका मेरिट बनाया जाएगा। और बट सब्जेक्ट इट इज बींग फाइंड मेडिकली फिट, यानी कि आपका मेडिकली फिट भी होना चाहिए, ठीक। और ये हो गया, बाकी यहाँ पर देखिए और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आप लोगों को बता दूं। तो देखिए यहाँ पर ये है, तो जो भी कैंडिडेट हैं फॉर्म भरना चाहते हैं तो वो कैसे अप्लाई करेंगे। तो देखिए, हाउ टू अप्लाई फॉर अप्रेंटिसशिप, तो इंटरेस्टेड एलिजिबल कैंडिडेट फॉर टेक्नीशियन अप्रेंटिस यानी कि ITI वालों के लिए एंड ए ग्रेजुएट अप्रेंटिस यानी कि ग्रेजुएशन वालों के लिए मस्ट एनरोल देमसेल्व्स इन द नेशनल अप्रेंटिस ट्रेनिंग स्कीम यानी TS का जो पोर्टल है आप MHRD बिफोर अप्लाइंग अगेंस्ट दिस एडवर्टाइजमेंट। इफ नॉट एनरोल कैंडिडेट में रजिस्टर एट पोर्टल MHRDNATS.gov.in। एलिजिबल कैंडिडेट फॉर ट्रेड अप्रेंटिस मस्ट रजिस्टर देमसेल्व इन द पोर्टल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बिफोर अप्लाइंग अगेंस्ट दिस एडवर्टाइजमेंट। नॉट रजिस्टर कैंडिडेट में रजिस्टर एट apprenticeshipindia.gov.in या apprenticeindia.org पर जाके आपको अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना है, ठीक। अप्लीकेशंस विल नॉट बी एक्सेप्टेड विदाउट रजिस्ट्रेशन, तो बिना रजिस्ट्रेशन के आपका यहाँ पर नहीं किया जाएगा, ठीक। तो बिना रजिस्ट्रेशन के आपका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। और देखिए यहाँ पर आपको अपना ट्रेड अप्रेंटिस ITI के जो भी कैंडिडेट हैं अप्रेंटिसशिप के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे तो यहाँ पर जो इस्टेब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन नंबर है ये वाला आपको यही डाल के सर्च करना है। और इसके बाद आपको यहाँ पर कैंडिडेट फॉर टेक्नीशियन अप्रेंटिस एंड ग्रेजुएट अप्रेंटिस
टू अप्लाई फॉर द देमसेल्व्स अप्रेंटिस थ्रू द एस्टेब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन। ये जो है दोस्तों ये है आपका ग्रेजुएशन वालों के लिए। तो ये सभी फॉर्म 14 दिसंबर 2022 से पहले आप अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लीजिएगा, भर लीजिएगा। अप्लीकेशन रिसीव्ड ऑनलाइन आफ्टर द सेड डाटा विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर प्रोसेसिंग। अप्लीकेशन फॉर कैंडिडेट ऑफ कैंडिडेट विच हैव बीन रिसीव्ड ऑलरेडी ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर ऑल्सो शैल बी कंसिडर्ड। और देखिए, हाउ यू आर सबमिटिंग द स्कैन कॉपी ऑफ अप्लीकेशन बाई ईमेल इज ए मस्ट फॉर स्क्रीनिंग सेक्शन। ठीक, तो मेल के जरिए यहाँ पर भेजना है। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि हाउ सबमिटिंग द स्कैन कॉपी ऑफ अप्लीकेशन बाई ईमेल इज ए मस्ट फॉर स्क्रीनिंग या सिलेक्शन। और द अप्लीकेशन शुड बी सबमिटेड इन द परफॉर्मा गिवन इन द एडवर्टाइजमेंट एज इन द एनेक्सरी ए, प्रिफरेबली ऑन ए फोर साइज पेपर होना चाहिए। द सब्जेक्ट ऑफ द ईमेल शैल बी जो होना चाहिए सब अप्लीकेशन फॉर एंगेजमेंट अप्रेंटिस अगेंस्ट द नोटिफिकेशन नंबर, ये जो दिया है IREL RED अप्रेंटिस एंगेजमेंट 2022-01, ये आपको डालना पड़ेगा। क्या क्या सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी में लगेगा? तो देखिए, कक्षा 10 का मार्कशीट आप लगा दीजिए, सर्टिफिकेट लगा दीजिए, ठीक, मार्कशीट और सर्टिफिकेट लगा दीजिए, आपका अपना कास्ट सर्टिफिकेट लगा दीजिएगा अगर आप SC ST OBC हैं, और डिक्लेरेशन फॉर्म में लगा दीजिएगा, और ट्रेड अप्रेंटिस में जो भी आपका ITI का है या फिर डिप्लोमा है या फिर ग्रेजुएशन है, तो ये सब कुछ आपको लगा देना है, जो भी आपका सर्टिफिकेट मार्कशीट है, और नेटिविटी सर्टिफिकेट और आधार कार्ड, इतना चीज आपको भेजना है। ठीक, और देखिए स्कैन कॉपी जो है उसको आपको अच्छे तरीके से भर लेना है, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लगा देना है, और ये जो डैश है RED@IREL.CO.IN इसी एड्रेस पर आपको भेजना है, और 14 दिसंबर 2022 के पहले आप लोग भेज दीजिएगा, अन्यथा आपका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। और यहाँ पर देखिए, वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट के बारे में बताया गया है कि फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट शैल बी डन प्रियर टू ज्वाइनिंग डेट। ऑन स्पेसिफिक डेट पर आपका होगा ओरिजिनल ऑफर लेटर ऑफ ट्रेनिंग विल बी सेंड वाया मेल वंस द कैंडिडेट इज सिलेक्टेड। अगर आप सिलेक्टेड होते हैं तो आपके मेल आईडी पर बताया जाएगा, और उस डेट में आपको पहुँच के अपना वेरिफिकेशन करा लेना है। तो 14 दिसंबर 2022 ऑनलाइन फॉर्म भरने का और ईमेल करने का लास्ट डेट है, आप लोग कर दीजिएगा। नोटिस देख सकते हैं 7 दिसंबर 2022 को जारी किया गया है, यहाँ पर यही आपका फॉर्म है, आप इसे प्रिंट आउट निकलवा के अच्छे तरीके से भर कर और भेज दीजिएगा। और रजिस्ट्रेशन आप लोग जरूर पोर्टल पर करिएगा, क्योंकि यहाँ पर उसका नंबर पड़ेगा। ठीक, तो पोर्टल रजिस्ट्रेशन नंबर, आधार नंबर, नाम, पिताजी का नाम, हस्बैंड, नेशनलिटी, डोमिसाइल स्टेट, जेंडर, मैरिटल स्टेटस, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी और रिलीजन, और परमानेंट एड्रेस, लोकल एड्रेस, कॉन्टैक्ट मोबाइल नंबर, जीमेल आईडी और डिटेल ऑफ क्वालिफिकेशन, और ये सब जो डिटेल है आप अपना भर दीजिएगा, और भर कर जो एड्रेस हमने बताया है ईमेल का, उसी ईमेल एड्रेस पर आप लोग सेंड कर दीजिएगा। ठीक, तो यही पूरा डिटेल है। और जो भी कैंडिडेट है दोस्तों, अगर ये ऑब्जेक्टिव सेंटर जो है, अगर आप लोग नहीं ज्वाइन किए हैं तो आप लोग इसे जरूर ज्वाइन कर लें। यहाँ पर प्रीवियस ईयर के पेपर दोस्तों डाले जाते हैं, तो आप लोग इसे जरूर ज्वाइन कर लें, और आपको यहाँ पर फाइल्स वाले सेक्शन में जाके अपना प्रीवियस ईयर का पेपर डाउनलोड कर लेना है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। लेकिन नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।